जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। बिहार थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास पंडित नगर में सक्रिय बदमाशों ने सरकारी कर्मी के घर का ताला तोड़ लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। गुरुवार को परिवार के लौटने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना पाकर पुलिस जाँच में जुट गई है। मोहल्ला के CCTV कैमरे की जाँच की जा रही है। चोरी भवन निर्माण विभाग के कार्यकर्ता क्लर्क राम प्रताप सिंह के 2 मंजिले मकान में हुई। कर्मी सुपौल में कार्यरत है। कर्मी के रिश्तेदार पावापुरी निवासी मनोज कुमार ने केस का आवेदन थाना में दिया है। पीड़ित ने बताया कि मकान में उनका पुत्र साहिल कुमार रहकर इंटर की पढ़ाई करता है। किशोर गांव आ गया था। लौटने पर घटना का खुलासा हुआ। मुख्य गेट के समेत अन्य कमरों का ताला काट चोरी की गई। बदमाशों ने लैपटॉप, कीमती बर्तन, कपड़ा समेत अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ किया, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख से अधिक है। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना के बाद वह मौके पर जांच को गए थे। इलाके का CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। लिखित शिकायत मिलने पर केस दर्ज होगा। कैसे यहां पर क्या हुआ बताइए। हम 12 बजे इन कर रहे थे, देखे वहां रास्ते से आए तो देखे कि यहां गेट खुला हुआ है। गेट खुला हुआ है तो अचानक हम एक बगल में वीरेंद्र जी हैं, उनको फ़ोन किए, उनको बोले तो बताया कि आते हैं देखते हैं, तो देखे दोनों साथ आए तो देखते हैं कि बिखरा हुआ है सामान, ताला कटा हुआ है। अच्छा, कितने कमरे में सब? ये 3 कमरा में ये ऐसा घटना हुआ है। क्या क्या चीज़ लेके गए? एक लैपटॉप था, दूसरे लगभग 50 से 60 हज़ार का कपड़ा था और तीसरा बर्तन था, बर्तन में जो काजा पीतल ये सब। तो लमसम कितने की? लमसम 2 लाख चोरी हुई। कोई नहीं थे क्या यहाँ पे? नहीं, इस घर में आज के नहीं थे। यहाँ जो रहते, किनका है मकान है? ये राम प्रताप सिंह का मकान हुआ। क्या करते हैं वो? ये भवन निर्माण विभाग में सुपौल में पोस्टेड है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार TV को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।